अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम लेक्चर रिकॉर्ड करके देखते हैं कि लेक्चर हमें किस तरह से रिकॉर्ड करना है। ये हमारे पास उसकी होम स्क्रीन है आईस्क्रीम वीडियो रिकॉर्डर की। तो सबसे पहले हम उसकी सेटिंग्स देख लेते हैं कि आपकी वेरी फर्स्ट सेटिंग आपकी क्या होनी चाहिए। सेव टू में देखते हैं तो आपने जो आपकी सेव वीडियो होगी जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं वो आपने कहाँ पर सेव करनी है, उसकी मैक्सिमम साइज क्या होना चाहिए उसका। वीडियो की सेटिंग्स में आप इसको भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि अगर आप इसको चेंज करेंगे तो वो आपसे लाइसेंस मांगेगा। तो फिलहाल ये इसी फॉर्मेट के ऊपर आप इसको चलाएं। रिकॉर्ड माउस मूवमेंट्स के अंदर जैसे अभी माउस मूव हो रहा है तो वीडियो के अंदर भी ये माउस मूव होता नजर आएगा। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो आपका ये माउस वीडियो के अंदर आपको मूव होता हुआ नजर नहीं आएगा। एनिमेट माउस क्लिक्स, जैसे अब इसको क्लिक करो तो आपके पास रेड सर्कल बन रहा होगा, नजर आ रहा होगा। तो अगर आप इसको अनचेक कर देंगे तो ये रेड सर्कल नजर नहीं आएगा। शो काउंटडाउन, अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करेंगे तो वहाँ पे काउंटडाउन आता है 3, 2, 1, तो ये आपको इंडिकेशन होती है कि आपकी वीडियो कब स्टार्ट हो रही है। अगर आप इसे इरिटेट हो रहे तो आप इसको अनचेक कर सकते हैं। ऑडियो के अंदर रिकॉर्ड माइक्रोफोन, अब आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप अलग से एक्सटर्नल माइक्रोफोन यूज़ करते हैं या आपका बिल्टन लैपटॉप का माइक्रोफोन यूज़ करना चाह रहे हैं। ये इसकी सेटिंग्स को आपने नीचे आना, यहाँ पर आपने जस्ट इसको रिकॉर्ड माइक्रोफोन के थ्रू ही करना है। अगर आप रिकॉर्ड ऑडियो करेंगे तो अगर आपके लैपटॉप के अंदर कोई और वीडियो या ऑडियो कोई चल रही होगी तो वो भी इसके साथ रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। सेटिंग्स को हम सेव कर लेते हैं। अब कैप्चर वीडियो के टैब के अंदर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन हैं। मेरे पास दो ऑप्शन आ रही हैं, डिस्प्ले वन डिस्प्ले टू फुल स्क्रीन के अंदर, क्योंकि मैंने दो डिस्प्ले लगाए हुए। तो अगर आपके पास सिंगल डिस्प्ले होगा तो आपके पास डिस्प्ले वन ही नज़र आएगा। कस्टम एरिया के अंदर आप खुद इसकी सिलेक्शन कर सकते हैं एरिया की, जिस एरिया की भी आप सिलेक्शन करना चाहें, जहाँ पर आप उस एरिया की आप वीडियो बनाना चाहते हैं। तो लास्ट एरिया के अंदर ये होगा कि जो आपका लास्ट एरिया होगा वो नज़र आएगा। मैंने लास्ट एरिया फुल स्क्रीन पर रिकॉर्ड किया था इसलिए मेरे पास फुल स्क्रीन आ रहा। तो फिलहाल हम डिस्प्ले वन को रिकॉर्ड करते हैं, डिस्प्ले वन। अब ये चीज़ काफ़ी इरिटेट करती है कि आपने वीडियो स्टार्ट कर दी और ये आपके पास आइकन बार जो इसकी है वो आपको नज़र आ रही होती है सारे। आप इसको मिनिमाइज़ कर दें। अगर आप मिनिमाइज नहीं करना चाहते तो आप इसको कस्टम एरिया आप सिलेक्ट कर लें। कस्टम एरिया, जिस एरिया के अंदर भी आप वीडियो करना चाह रहे हैं रिकॉर्ड, उस एरिया को हाईलाइट कर दें और इसको आप नीचे लेके आ जाना। अगर आप इस टैब को वीडियो के अंदर नहीं डिस्प्ले कराना चाहते तो मज़ीद इसके अंदर ऑप्शन ये हैं कि आप अपना वेबकैम अगर यूज़ करना चाहें तो वेबकैम यूज़ कर सकते हैं। इस आइकन से ये यहाँ पर जो आपको कैमरे का आइकन नज़र आ रहा है इसको आप क्लिक करें तो ये आपका वेबकैम ऑन हो गया। आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं विद इन द स्क्रीन। अगर आप इसको बाहर ले जाएंगे यहाँ से तो ये आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड नहीं होगी, लेकिन आपको नज़र आती रहेगी रिवाइल्ड रिकॉर्डिंग। बट अगर आप इस एरिया से इसको बाहर ले जाएंगे तो वीडियो के अंदर ये नहीं रहेगी। तो हम इसको अभी फ़िलहाल कैंसिल करते हैं। मैंने डिस्प्ले वन को रिकॉर्ड करना इसको बाहर ले गया, रिकॉर्डिंग शुरू की। अब ये काउंटडाउन आ रहा है, वेबकैम मैंने ऑन कर दिया। अब इसको मैं जहाँ भी मूव करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। मैंने अगर अपने पावर पॉइंट ऑन किया तो मैं इसको उठा के इधर ले जाऊँ, यहाँ पर अपना डिस्प्ले चलाता रहूँ। अगर आपके पास PDF में है या वर्ड्स में है, कोई भी आपके पास फॉर्मेट है आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। उसकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, आप लेक्चर दे सकते हैं। अगर आपको ये इरिटेट कर रहा है तो आप इसको उसी आइकन के ऊपर जाके आप इसको दोबारा दबाना तो इसमें गायब हो जाए। अब लेक्चर रिकॉर्डिंग के दौरान अगर आप कोई ब्रेक लेना चाह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल किसी वजह से भी, तो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आपके पास तो आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं।
पॉज कर दिया तो ये रुक जाएगा। यहाँ पे इंडिकेशन आ रही होगी कि भाई ये भी रुका हुआ 2 सेकंड के ऊपर। रिज्यूम कर दें, वहीं से स्टार्ट होगा, फिर पॉज कर लें, फिर रिज्यूम कर लें, पॉज कर लें। आप जितनी बार भी इसको पॉज रिज्यूम करना चाहे आप कर सकते हैं। जब आपने वीडियो आपकी कंप्लीट हो गया तब आप इसको स्टॉप कर लें। स्टॉप करने पे ये आपसे फाइल का नेम पूछेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये बार बार आपके सामने नजर ना आए तो आपने यहाँ पे चेक को डॉट आस्क अगेन कर देना और ओके कर देना। यहाँ पर आपके पास इंडिकेशन आ रही है कि वीडियो सेव हो चुकी है। आप इसको क्लिक करके आप डायरेक्टरी में जा सकते हैं जहाँ पर ये सेव हुआ है। अगर आपके पास वहाँ से अगर आपको वहाँ से ख़त्म हो गया, ये यहाँ से आइकन आपका डिलीट हो गया, तो आप यहाँ पर पाथ के ऊपर फोल्डर का आइकन बना हुआ इसको आप क्लिक करेंगे तो भी आपकी डायरेक्टरी ओपन हो जाएगी। हमने जो डायरेक्टरी सिलेक्ट की थी सेटिंग्स के अंदर, बेसिक सेटिंग्स के अंदर, तो वो हमने डेस्कटॉप सेलेक्ट की थी। तो यहाँ पे आप देखिए तमाम वीडियोस नज़र आ रही है जो हमने रिकॉर्ड की है। तो हम किसी एक को चला के देखते हैं जो हमारी लेटेस्ट है। तो ये वीडियो थी हमारी, यहाँ पर देखिए आपके यहाँ मेरा कैम नज़र आ रहा है, मेरी कैम की जो भी है यहाँ नज़र आ रही है। तो इसी तरह से आपने वीडियोज रिकॉर्ड करनी है, अपने लेक्चर रिकॉर्ड करने हैं, उसको आपने गूगल ड्राइव पे अपलोड करना चाहें, यूट्यूब पे अपलोड करना चाहें, वो अपलोड कर दें। उसके लिंक्स आपने गूगल क्लासरूम्स के ऊपर या LMS के ऊपर जहाँ पर भी आप चाहें अपलोड कर दें, वहाँ से स्टूडेंट एक्सेस करके वहाँ से आपके वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आप असाइनमेंट्स अपलोड करना चाहें, असाइनमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं LMS के ऊपर या गूगल क्लासरूम्स के ऊपर।